इस बात में कोई शक नहीं कि K-pop सेंसेशन BTS की जब बात आती है तो उनके फैंस NASA के साइंटिस्ट की तरह हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं, और बांगतन बॉय से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात मानो फैंस की सांसें रोक देती है। तो सोचो फैंस का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चले कि उनके फेवरेट K-pop आइडल किम तेयोंग ठीक नहीं है और वी ने कुछ ऐसा किया है जिसे लेकर फैंडम में सनसनी छा गई है, और फैंस को डर लग रहा है कि कहीं BTS सुपरस्टार जंगकुक की तरह किम तेयोंग भी अपना इंस्टाग्राम डिलीट ना कर दें। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि कल अचानक से BTS आर्मी के बीच कोहराम छा गया जब उन्होंने नोटिस किया कि BTS मेंबर वी ने अचानक से 2 साल पुरानी अपनी अनरिलीज सॉन्ग की एक रील अचानक से डिलीट कर दी है। जी हाँ, BTS आर्मी, आप लोगों को पता ही होगा कि BTS मेंबर्स अक्सर बहुत सारे सॉन्ग्स बनाते रहते हैं, हालांकि ये रिलीज नहीं करते, बस फैंस के साथ शेयर कर देते हैं। और ऐसा ही एक सॉन्ग वी ने 2022 में अपने इंस्टाग्राम रील में फैंस के साथ शेयर किया था, लेकिन कल अचानक से किम तेयोंग इंस्टाग्राम पर आए और उन्होंने ये रील डिलीट कर दी, जिसकी वजह से फैंस को ये डर सताने लगा कि कहीं किम तेयोंग भी जंगकुक की तरह अपना इंस्टाग्राम डिलीट ना कर दें, क्योंकि जंगकुक ने भी पहले इसी तरह एक के बाद एक पोस्ट करना डिलीट किया था और फिर इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया। तो आर्मी, इसे लेकर मुझे लगता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी ने सिर्फ एक रील डिलीट की है, उनका इंस्टाग्राम कहीं नहीं जाने वाला, वो इसे डिलीट नहीं करेंगे। बाकी फैंस ये भी कह रहे हैं कि वी ने इस रील को शायद इसीलिए डिलीट किया है क्योंकि हो सकता है वो इस सॉन्ग को फाइनली और ऑफिशियली रिलीज करने जा रहे हों और इस पर आगे का काम चल रहा हो, क्योंकि किम तेयोंग फिलहाल मिलिट्री से वैकेशन पर आए हुए हैं, तो वो शायद इन सॉन्ग्स को लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। उन्होंने कुछ लिखा भी होगा और वो आर्मी को सरप्राइज करने के लिए इसमें कुछ ऐड करें और फिर शायद ऑफिशियली इसे अपनी किसी एल्बम के अंदर इंक्लूड कर रिलीज करें, ऐसा भी पॉसिबल है। हालांकि ये सब तो टाइम ही बताएगा, लेकिन तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी इंस्टा को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। ये तो था मेरा ओपिनियन, बाकी आप लोगों को इसे लेकर क्या लगता है अपनी राय कमेंट्स में बताना।